हमें कैसे पता चलेगा कि जो घर हमने खरीदा है या जो प्लॉट हमने खरीदा है वहां की जो मिट्टी है वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है कि नेगेटिविटी। सो अगर वहां पर पहले कभी तालाब हुआ करता था जो सूख गया है, उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन या प्लॉटिंग का काम चालू हो गया है, वो जमीन में नेगेटिविटी रहती है, तो प्लीज वो प्लॉट या वहां का कंस्ट्रक्टेड फ्लैट नहीं खरीदना है। अगर वहां पे कभी मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर वहां पे कंस्ट्रक्शन ले आए हैं, वो वहां पर भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, वो भी प्लॉट हमने नहीं लेना चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन हाउस नहीं लेना चाहिए। अगर वहां पे कभी पहले कुआं हुआ करता था, उस कुएं को सुखा कर या वो सूख गया इसलिए उसे बंद करवा कर वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है या फिर वहां पे प्लॉटिंग कर लिया गया है, वो भी जगह आपने नहीं लेनी है। इस तरह से ये तीनों चीजें आपने चेक करनी है, प्लस उस जगह की जो सॉइल है वो अंदर से काली तो नहीं है। अगर वो उपजाऊ है तो बहुत अच्छा है वहां पे कंस्ट्रक्शन का घर होना या फिर वहां का प्लॉट खरीदना, लेकिन अगर वहां पे ब्लैक सॉइल है तो वो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो इसीलिए जब भी आप प्लॉट खरीदे या कंस्ट्रक्शन का घर खरीदे तो मेक श्योर कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी से नहीं क्रिएटेड हुआ हो, वहां की एनर्जी पॉजिटिव हो। थैंक यू।